Hi everybody, this is Pallavi from Colabaarts, and today I've come to a very, very beautiful and a touching show called The Black Truth by Ranjit Singh. And I want all of you to meet Ranjit, who's right here. So Ranjit ji, bahut bahut aapko shubhkamnaye aapke show ke liye. Aur main aapko pehli baar mil rahi hu, lekin of course abhi Facebook ke sahare bahut logon ke kaam dekhne milte hai, lekin aisa kaam maine bahut bahut सालों के बाद देखा है. इतनी सच्चाई और इससे आपने ये किया हुआ काम है, तो थोड़ा सा आपके बारे में भी बताइए और लिटिल बिट ऑफ योर पेंटिंग्स आल्सो. मेरा जन्म जो है झारखंड में धनबाद में हुआ. करेक्ट. और वो पूरा इलाका कोल माइंस से घिरा हुआ है. तो मेरे आसपास जो है इस तरह के कोल वर्कर जो है बहुत सारे लोग थे जिनको मैं बचपन से देख रहा था, लेकिन विजुअली मैं उस चीज़ को उस तरह से समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा स्टडिंग पीरियड था. तो मैं लोगों को जरूर देख रहा था, उनके प्रॉब्लम्स को भी देख रहा था, उनके फेस्टिवल को भी देख रहा था, लेकिन उससे मैं अपना रिलेशन स्थापित नहीं कर पा रहा था. तो जब मैं विजुअल आर्ट कॉलेज गया, फाइन आर्ट्स कॉलेज गया, BHU, और जब पढ़ाई किया और आर्टिस्टों को मैंने देखा कि कैसे सब्जेक्ट के बारे में सोचना चाहिए और समझना चाहिए और फिर उस पर कैसे काम किया जा सकता है और एक खूबसूरत पेंटिंग्स बनाया जा सकता है एक कंट्रास्ट सब्जेक्ट को लेके, तब फिर मैंने ये वर्क्स है ये दर्शाते हैं कोल माइनर्स और उनके लाइफ को. सो क्या आप कभी कोल माइन में गए थे, या आपका मतलब परिचय कोल माइंस के साथ, ताकि आप झारखंड में रहे इसलिए रहा कि आपने भी कहीं जाके कुछ इसमें काम नहीं, किया था? बहुत या सारे दोस्त थे जिनके अच्छा, गार्जियन झारखंड में कोल माइंस में ही काम कर रहे थे BCCL अच्छा, में ओके, और वो मेरे साथ खेलते थे या फिर हम लोग का स्टडिंग पढ़ाई भी उनके साथ था, तो इसलिए उनको मैं जान रहा था. लेकिन असलियत में मैं तब जाना, आज से 3 साल पहले जब मैं इस सब्जेक्ट के पास गया, मैं धनबाद गया. एक इससे पहले मेरा चाइल्ड लेबर सीरीज चल रहा था जिसपे मैं काम कर रहा था, तो कुछ NGO फॉर्म के साथ भी मैं जुड़ के काम कर रहा था अपने सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए. RT फॉरम है, राइट टू एजुकेशन के लिए काम करती है, या फिर सेव द चिल्ड्रन है, उसके लिए थोड़ा सा मैंने काम किया. उससे पहले बनारस में था तो गुड़िया के साथ थोड़ा सा काम किया था. अच्छा। तो सब्जेक्ट को समझने के लिए किया था, लेकिन उसके बाद जो है जब मैं कोल माइंस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया तो मतलब देख तो मैं पहले से रहा था, लेकिन फिर से मुझे एक स्टडी की जरूरत पड़ी, तो मैं वहाँ जाके फोटोग्राफ्स वगैरह शूट किया और वीडियो शूट किया. तो ये फोटोग्राफ से आपने पेंटिंग बनाई? हाँ, पहले मैं फोटोग्राफी शूट करता हूँ, क्योंकि वो इतना इंटीरियर जगह है, वहाँ पे जाके डायरेक्ट पेंटिंग करना बहुत टफ काम होगा. तो मैक्सिमम फुटेज मैंने वहाँ से लिया, रॉ मटेरियल को लेके आया अपने स्टूडियो में. अच्छा। और उसके बाद जो है आके यहाँ पे अपने क्रिएटिव थॉट को कभी इंस्टॉलेशन, कभी फोटोग्राफी, या फिर कभी पेंटिंग्स और ड्राइंग के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश किया. सारे ड्राइंग्स बहुत ही अच्छे लगे, बहुत बहुत अच्छे लगे. स्पेशली आई वॉज वेरी टच्ड बाय दिस पर्टिकुलर पेंटिंग, गुमशुदा की तलाश. आई थिंक कोई मिसिंग ये लड़की है जिसका आपने ये स्टोरी है, MP का एक स्टोरी है कि एक छोटी बच्ची रात को अक्सर गांव में आप देखेंगे कि वहाँ पे शौचालय होता नहीं है, टॉयलेट होता नहीं है, तो हाँ उससे मूवी भी आया हुआ है. नहीं है तो क्या करते हैं वो, गांव पे गांव के बाहर जाके के लिए जाते हैं. तो इस बच्ची के साथ ये हुआ कि ये जब घर से बाहर निकली तो उसके बाद घर में आई नहीं, तो इसको अगवा कर लिया गया और GB रोड जैसे जगह पे लाके इसको मतलब देह व्यापार जैसे जो बिजनेस है उसमें डाल दिया गया. और बच्ची का उम्र तकरीबन 12 से 13 साल था, तो इस बच्चे के साथ ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्ट कर करके इसके बॉडी को यंग किया जा रहा था. तो मेरे एक फ्रेंड है जिनके थ्रू मुझे जानकारी मिला इसके बारे में, तो इसके जो लेटर्स थे उसको लेके मैंने एक कंपोजिशन बनाया. हाँ, और कुछ इसमें कुछ चीज़ें मैंने खुद से ऐड किया और कुछ रियलिटी
बहुत अच्छा लगा। ये आपने बताया था फैट बॉय करके, वो जहाज मैन एंड लिटिल बॉय, हाँ, जैसे जो हिरोशिमा पे बॉम्बिंग हुई थी। हम लोग ये तो जानते हैं कि अमेरिका ने बम गिराया था हिरोशिमा के ऊपर, बट बहुत डिटेल्स में हम नहीं जानते हैं कि ये मतलब एक केसेस क्या था, ये इसका कैसे इसको मतलब स्ट्रक्चर को तैयार किया गया था। तो यहाँ मेरा टेंशन ये है कि मैं कभी भी बच्चों के सीरीज में जब काम करता हूँ तो कभी भी मैं कुछ सैड उसको लेता नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये मुझे अच्छा एक बात लगी कि आपने यहाँ पे बॉम्ब्स के बजाय टॉफीज दिखाई है। ही इज डिपिक्टेड टॉफीज हियर, कि विश एयरक्राफ्ट वुड ड्रॉप चॉकलेट्स और टॉफीज रादर देन बॉम्ब्स, सो दिस इज समथिंग सो ब्यूटिफुल। रंजीत, बहुत बहुत ये मुझे अच्छा लगा। तो गाइज, डू कम फॉर हिज शो द ब्लैक ट्रूथ, एंड इट इज गोइंग टू बी ऑन टिल मंडे, राइट? तो आप लोगों को वीकेंड भी है यहाँ पे आने के लिए, तो रंजीत से भी आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं इसके बारे में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड रंजीत विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत आपका बढ़िया शो हो। इनका एक्चुअली इंस्टॉलेशन भी एक बहुत बढ़िया था जो आप नहीं लगा पाए यहाँ पे, लेकिन हम वो देखने आएंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड डू कम एंड विजिट रंजीत। सो दिस इज पल्लवी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।